वर्षों की मोहब्बत के बाद कल एक दूजे के हो गए भारत लाल व हंसी रुन्निशा। जी हाँ, आज देश में जहाँ हिंदू मुस्लिम को लेकर दंगा भड़काने का काम चल रहा है, वहीं रायबरेली के ऊंचाहार में एक प्रेमी और प्रेमिका ने लंबे वक्त से चल रहे अपने प्यार का अमली जामा पहनाते हुए एक दूजे के गले में वरमाला डालकर एक होने का सपना पूरा कर लिया। इन दोनों ने विवाह हिंदू रीति रिवाजों के तहत किया और कल की हंसी रून आज मालती बन गई। इस समारोह में गांव वालों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और समाज को एक संदेश दिया। जिले के ऊंचाहार क्षेत्र के पयागपुर नादौर गांव में हो रहे ये समारोह गांव के निवासी भारतलाल व हंसी रून निशा का विवाह समारोह है। ये कार्यक्रम गांव में ही बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। बताते चले कि गांव निवासी भारतलाल व हंसी रून निशा में दो दशक पहले एक दूसरे से प्यार हो गया और दोनों एक दूजे के साथ रहने लगे, लेकिन दोनों ने शादी नहीं की। कल इन दोनों ने उम्र के इस पड़ाव पर शादी करने का निर्णय लिया और गांव वालों ने भी उनका भरपूर सहयोग करते हुए दोनों की हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी करा दी। शादी के बाद हंसी रून निशा मालती बन गई। इन दोनों की शादी की चर्चा आसपास के लोगों के लिए एक मिसाल बन गई और उन्होंने इस समारोह को यादगार बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ऊंचहार क्षेत्र के पयागपुर नंदौर गांव की हंसी रून निशा का निकाह करीब 21 साल पहले गांव में ही अपने ही धर्म के एक युवक से हुआ था, लेकिन हंसी रून निशा के दिल में गांव के भारतलाल प्रजापति पहले ही बस चुके थे। समाज और महजब के बंधन को तोड़ना हंसी रून निशा के लिए आसान नहीं था, इसलिए उसने निकाह को तो कबूल कर लिया, लेकिन भारतलाल से दूर रहना भी उसके लिए मुश्किल था। अंततः इस निकाह का अंजाम तलाक हुआ। उसके बाद हंसी रून निशा ने बड़ा फैसला किया और बिना शादी लिए ही भारतलाल के साथ रहने लगी। इस दौरान उसने एक पुत्र को जन्म भी दिया। अब यह बेटा अकेला प्रजापति 18 साल का युवा है, जिसके लिए रिश्ते भी आने लगे हैं। जब बेटे की शादी की बात सामने आई तो समाज व बिरादरी के लोगों ने समझाया कि बिना शादी किए बेटे के विवाह की रस्में नहीं निभा सकते हैं। उसके बाद दोनों ने विवाह का फैसला कर लिया और विधिवत वैदिक रीति के रिवाज के साथ भारतलाल और हंसी रून निशा से मालती बन गई। दुल्हन का विवाह संपन्न हुआ, जिसमें प्रजापति समाज के साथ साथ सनातन धर्म के अन्य लोग भी शामिल हुए। इस शादी में दूल्हा दुल्हन का युवा बेटा सबके आकर्षण का केंद्र रहा। रायबरेली से संवाददाता सुधीर अग्निहोत्री की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? हंसी रून निशा कहाँ के रहने वाले हैं? क्या प्रोग्राम है आज आपका? आज शादी हो रही है? किसके साथ हो रही है? किसके साथ हो रही है? भारतलाल के साथ। तो भारतलाल हिंदू है, आप मुस्लिम है, किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं? आपने क्या सोच के शादी कर लिया? अच्छा, समझबूझ के शादी किया, कोई आपत्ति नहीं? वहाँ से आपने हिंदू धर्म अपना लिया? भैया अपना परिचय दे दीजिए। मैं राजकिशोर तिवारी, ग्राम प्रधान पयागपुर द्वारा। क्या प्रोग्राम है यहाँ पे आज? यहाँ पे आज शादी का प्रोग्राम है। अच्छा, किसकी शादी? ये एक महिला मंडल है और एक ही हिंदू है जी। काफी दिनों से लोगों का वो चल रहा था, आज इनकी शादी। अच्छा, तो आज शादी हो गई, तो गांव के लोगों ने किसी ने विरोध नहीं किया? नहीं, संपूर्ण गांव साथ में है इनके। तो इनकी जो शादी हुई वो हिंदू रीति रिवाज से हुई है या मुस्लिम से हुई? हिंदू रीति रिवाज से। तो जो लड़की है आज से हिंदू अपना लिया है? हिंदू अपना धर्म निर्वाह कर लिया है। इसी तरह कोई समस्या नहीं? ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.